नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे टारगेट विथ आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी संस्था के द्वारा मैराथन चलाया जा रहा है खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए, मैराथन नाम से ही पता चल रहा है कि आपको सफलता की दौड़ में पहले पोजीशन पे लाना है। मैराथन वो दौड़ते हैं जिनके अंदर क्षमता होती है, चाहे वो 40 किलोमीटर का हो, चाहे वो 10 किलोमीटर का हो, चाहे वो 1 किलोमीटर का हो, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या पीसीएस का एग्जाम हो या खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो जो हमें नौकरी दिलाएगा, उसका मैराथन हमेशा हमारी संस्था के द्वारा चलाया जाता है। और मैराथन वही जीतता है जो अंतिम समय तक दौड़ता रहता है। रीजन क्या है कि अब जो मैराथन चलाए जा रहे हैं ये बहुत पढ़ाई हो गई, बहुत पढ़ लिए हैं, अब रिवाइज करवाया जा रहा है कि चीजें हैं क्या। हमारे संस्था के द्वारा 50 कदम दिया गया, प्रश्न संग्रह दिए गए, उन चीजों से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया। अब सवाल से भी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है कि आप कितने पानी में हैं, क्या चीजें आपकी खत्म हैं, कुछ पढ़ने को बचा है, क्या आप चाहते हैं एग्जाम पोस्टपोन्ड हो। नहीं, हम बस चाहते हैं एग्जाम हो। और जो हम लोग अब कराएंगे दोस्त, ये मैं आपको मैं कहा था एपीओ के एग्जाम के पेपर को देखिएगा और मेरे संग्रह देखिएगा, टोटली मैच होते हैं। चीजें क्या है कि जब हम कोई सवाल बनाते हैं तो ये दावा करते हैं कि हाँ फंस सकता है, और फंसना न फंसना ये आपकी किस्मत का खेल है, हमारी मेहनत तो रहती है, आपकी मेहनत हमसे ज्यादा है। तो मैराथन में आज मैं इतिहास लेकर आया हूं। गौरव पांडे, आप हमसे पहले भी रूबरू हो चुके हैं, लेकिन मैराथन के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, प्लीज 50 का दम और प्रश्न संग्रह भी देखिएगा। कोई भी सवाल वहां से मैंने उठाए नहीं है, ना ही कोई सवाल दोहराया है, सब नए सवाल हैं। बाकी जो हमारे बैच के विद्यार्थी हैं उनको तो सवालों का भंडार हमने दे दिया है। तो आज की क्लास में 100 प्रश्न इतिहास के, आपका इतिहास खत्म। खत्म मतलब खत्म, मेरी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, और एग्जाम के तो पूरा का पूरा मैच। तो चालू करते हैं मैराथन में पहले सवाल से। एकदम आराम से सवाल पढ़िएगा, सारे प्रकार के सवाल मिलेंगे, सारे प्रकार के आंसर मिलेंगे, और आराम से करना है और मुस्कुराते हुए करना है, टेंशन में हेजिटेट होके नहीं। ऑप्शन ए है तो बी कर दे, सवाल को पढ़िएगा तो प्रश्न करने का प्रयास करिएगा। तो मैराथन की शुरुआत करते हैं आज सुबह सुबह आपके साथ पहले सवाल से। पहला सवाल, गांधी को किस आंदोलन के दौरान महात्मा की उपाधि मिली थी। देखिए, सब प्रचलित सवाल मिलेंगे आपको, और मैं बार बार कह रहा हूं 50 कदम और प्रश्न संग्रह जरूर देखिएगा, वहां से सवाल नहीं लिए गए। आप 100 यहां पर, 50 में, वहां पर 20, 170-180 सवाल तो हमने ऐसे ही करवा दिए हैं और वहीं से सवाल आने हैं, उम्मीद यही है, बाकी अब देखिए क्या होता है। तो पहला सवाल है कि गांधी को किस आंदोलन के दौरान महात्मा की उपाधि मिली थी। आंसर्स आपके कमेंट में आने चाहिए। ऑप्शन है नमक आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता, चंपारण सत्याग्रह। नमक आंदोलन गलत है, इसके दौरान गांधी को मलंग बाबा की उपाधि मिली थी। किसकी? मलंग बाबा की, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के लोगों ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गांधी जी पहुंच ही नहीं पाए थे। गांधी इरविन समझौते के दौरान सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की उपाधि दी थी। किसको किसको? गांधी और इरविन को दो महात्मा की उपाधि दी थी। तो इसका आंसर क्या है? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी को किस चीज की उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। केवल इन्हीं सवालों को पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। मैं तीसरी बार नहीं, मैं हर बार बार बीच में ये चीज कहूंगा कि ये मैराथन, उसके साथ 50 कदम, प्रश्न संग्रह जरूर देखिएगा। 170-180 सवाल से इतिहास खत्म हो रहे तो कुछ गलत नहीं है, बहुत बड़ा पोर्शन है। अगले सवाल पर चलते हैं। झांसी रेजिमेंट का गठन किसने किया था? झांसी रेजिमेंट का गठन किसने किया था? ऑप्शन है गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। कोई इसका आंसर दे सकता है? कोई भी? चलिए, इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी ने झांसी रेजिमेंट के साथ साथ गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट
और सुभाष रेजिमेंट का भी गठन किया। सवाल अगर घुमा दिया कि निम्न में से किसने गांधी रेजिमेंट का गठन किया है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई? जो प्रमोशन वीडियो हमने समाचार पत्र का दिया था उसमें है ये सारे आंसर्स, इसलिए प्रमोशन वीडियो देते हैं ताकि आपके जो नॉलेज है वो कंप्लीट होते चले जाए। सवाल को ऐसा नहीं होता है कि हम हमारा मन करता है तो हम देते हैं, हम आप लोगों को सोच कर देते हैं, ठीक है। और दोस्तों एग्जाम का एकदम प्रेशर नहीं लेना, एग्जाम सॉल्व होने के लिए बनता है, टेंशन लेने के लिए नहीं, हम कर सकते हैं यही भरोसा होना चाहिए और हम जरूर कर लेंगे। एग्जाम बनाने वाला इंसान है, पास करने वाला इंसान है, नौकरी करने वाला इंसान है, पढ़ने वाला इंसान है, पढ़ाने वाला इंसान है, हमारे अंदर हर चीज की क्षमता है, बस उस क्षमता को पहचानना है और आप पहचान जाएंगे, ठीक। चलिए दोस्तों सवाल है भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर है 1554 ईस्वी में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा हुई थी और सबसे पहले जो हुई वो बंबई और गोवा में हुई थी। कहां हुई थी? बंबई और गोवा में। और 1557 में पहली बार गोवा के पादरियों ने किताब छापी थी। 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई और भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1554 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा हुई थी। और 1780 ईस्वी में भारत का पहला पत्र बंगाल गैजेट जेम्स अगस्तस हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो भारत का पहला जो समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट, वो कब किया गया था? 1780 ईस्वी में, जिस पर 1782 में प्रतिबंध लगा दिया गया था और जेम्स अगस्तस हिकी को फिर इंग्लैंड भेज दिया गया था। क्लियर? अगले सवाल पर चलते हैं। खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कैसे मान लीजिए कोरोना नहीं फैलेगा, कोरोना जो है वो कैमरे से या वीडियो से नहीं फैलता, और कोरोना से एकदम परेशान मत हो, ये जस्ट अ र्यूमर नॉट अ डिसीज, ठीक है, डोंट टेक इट एनीथिंग सीरियस। कभी कोई चीज इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, जब हम लेते हैं तो हमारे ऊपर हावी हो जाता है। खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर कोई बताएगा? खिड़की मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था, ठीक, दिल्ली में है। यह सवाल पीसीएस लोअर में आया था। इल्तुतमिश ने राजस्थान में अतरकिन दरवाजे का निर्माण करवाया था, जिसका ढांचा देखकर अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। अतरकिन कई नाम मिलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अकबर ने कई सारी इमारतों का निर्माण करवाया, जैसे आगरा का लाल किला हो गया, इलाहाबाद का किला हो गया, तमाम चीजें, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा हो गया, जोधाबाई पैलेस हो गया, पंचमहल हो गया, इस्लाम खां का मकबरा हो गया, इन तमाम चीजों का निर्माण अकबर ने करवाया था। इसका निर्माण करवाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जिसने बेगम मस्जिद, खिड़की मस्जिद, काली मस्जिद, इन तमाम मस्जिदों का निर्माण दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। यह सवाल इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगा कि एक एग्जाम वो सवाल आया था लोअर के एग्जाम में कि जमायत खां का मकबरा कहां पर है या इनायत खां का मकबरा कहां पर है, ठीक है, तो आंसर उसका बदायूं था, इनायत खां का मकबरा। तो हो सकता है ऐसे ही थोड़ा डीप जाकर आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये पीसीएस रैंक की है जॉब, कि खिड़की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। चलिए पूरा रिवाइज है, अब कितना आप पढ़े हैं ये चीज आपके सामने स्पष्ट हो रही होगी। अगले सवाल पर चलते हैं। भारत का सिराज किसे कहा गया? भारत का सिराज, यह बहुत ही प्रचलित सवाल है और उम्मीद करता हूं कि हो सकता है इस लाइन से जुड़ा हुआ सवाल आपके एग्जाम में आ जाएगा। भारत का सिराज किसे कहा गया? तो जौनपुर, बंगाल, दिल्ली, आगरा, आंसर दीजिए जल्दी से इसका। मैराथन है ना, धीरे धीरे दौड़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे ना, जल्दी जल्दी आंसर देना है। तो इसका आंसर है जौनपुर। जौनपुर को क्या कहा गया?
भारत का सिराज कहा गया। फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां या जूना खां या जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं उसकी याद में जौनपुर नामक शहर की स्थापना किया था, और यही जौनपुर से ही अकबर के लिए फतवा जारी किया गया था कि कोई अनपढ़ व्यक्ति गद्दी पर नहीं बैठ सकता है। तो भारत का सिराज किसे कहा गया? जौनपुर को। चलिए, आज पूरा इतिहास आपका खत्म होगा। क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, तो हो सकता है शिक्षा से जुड़े हुए भी सवाल आपको पूछ लिए जाए। उड डिस्पैच 1854 में उड डिस्पैच आया था। सवाल है, उड डिस्पैच के तहत कहां विश्वविद्यालय नहीं खोला गया? तो हम बता देते हैं, उड डिस्पैच जो था यह 1854 में भारत में आया था, जिसने स्त्री शिक्षा पर बल दिया था। पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल देने का काम जो किया वो डिस्पैच ने किया था, और इसके तहत तीन जगह विश्वविद्यालय खोले गए। कहां कहां खोले गए? दिल्ली में, कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में। सवाल है कहां नहीं खोला गया। सवाल को हमेशा एग्जाम के टाइम को सवाल पूरा पढ़िएगा, गलती मत करिएगा, सवाल भी कभी कभार घुमा के देता है। सवाल है नहीं खोला गया, तो इसका आंसर है दिल्ली, क्योंकि उस डिस्पैच के तहत कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की बात कही गई थी, और विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। तो आपका आंसर क्या हो गया? दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के कई सारे शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, क्योंकि वो भागवत धर्म के अनुयायी थे और उनका प्रतीक चिन्ह गरुड़ था। ठीक, इसके साथ वो सिक्के भी चलाते थे उसी प्रकार के। तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये गलत। दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, और चौथा है अशोक। हमने आपसे क्या कहा था? गुप्त वंश के शासकों ने ऐसी उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका आंसर नहीं होगा। चंद्रगुप्त मौर्य को मुक्तिदाता कहा गया। समुद्रगुप्त को काच कहा गया, इसके साथ साथ लिच्छवी दौहित्र भी इसको कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को, जिसकी जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, और इसकी जानकारी हरिश्रेण की प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। हरिश्रेण की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अलावा बीरबल, जहांगीर और रानी विक्टोरिया की भी जानकारी मिलती है। अशोक जो था, अशोक ने देव नाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। देव नाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक ने। तो कौन सा ऑप्शन बचा? सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़ा हुआ सवाल मंडी परिषद में भी था, पीसीएस लोअर में भी था, वीडियो में भी था। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है इससे जुड़ा हुआ सवाल आपके एग्जाम खंड शिक्षा अधिकारी में भी दे दें। और यही नहीं, इसके साथ साथ सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल पर। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यह सवाल कल मेरे किसी जान पहचान ने मुझसे पूछा था कि सर ये बताइए कि मदुरई मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो मुझे ये सवाल जब उसने पूछा तो मुझे अच्छा भी लगा कि हो सकता है मंदिर से जुड़े हुए सवाल में ये पूछ सकता है। काफी प्रचलित मंदिर है, काफी रूमर में भी रहा, करंट में भी रहा। तो मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कोई बता पाएगा? आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन थोड़े थोड़े अब टफ होते जा रहे हैं। नरसिंह वर्मन ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर का निर्माण? कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अनंत वर्मन ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह देव ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको सन टेंपल या सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या हुआ? पांडे वंश का शासक था कुलशेखर पांडे, जिसने किस मंदिर का निर्माण करवाया है? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कुलशेखर पांडे ने करवाया है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए,
ऐसा सवाल कहां मिलेगा आपको? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी की तारीफ करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत काबिल हूं। कई लोग कहते होंगे, बोलता बहुत ज्यादा है, कई लोग जब कमेंट करते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं, वो सोचते हैं कि मैं किसको लिख रहा हूं, बोलता बहुत ज्यादा है। उन्हें ये नहीं पता कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं, इस प्लेटफॉर्म पे वो अभी नहीं आए, तब भी वो कहते हैं बोलता ज्यादा है। तो चाणक्य की बात याद आ जाती है, खैर ऊपर उठते हुए व्यक्ति की लोग बुराई करते हैं, उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मैं एक्सेप्ट करता भी हूं। ये आज तक इतिहास में कोई ये सवाल नहीं डाला होगा। अब आप कहेंगे, सर ये सवाल डालने का रीजन, क्योंकि जो हमारी नोटों पर पीछे इमारतें होती हैं वो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं। सही बोल रहे हैं ना? और उन ऐतिहासिक इमारतों के बारे में जानना भी चाहिए। कभी किसी ने पूछ लिया कि यार आप नौकरी लग गई, आप सिंगापुर घूमने चले गए, किसी ने पूछ लिया कि आपकी कंट्री में 2000 के नोट के पीछे किसका चित्र है, तो क्या बताएंगे? पता ही नहीं, केवल सामने गांधी को और 2000 के नोट देखते हैं, पीछे भी देखते हैं। इसका आंसर बताइए, नई 20 रुपए की नोट के पीछे किस संस्कृति विरासत को दर्शाया गया है? कोणार्क मंदिर 10 रुपए की नोट पर दर्शाया गया है, ठीक। रानी की वाव 100 रुपए की नोट पर दर्शाया गया है, लाल किला 500 रुपए की नोट पर दर्शाया गया है। अब दो ही नोट बच रही हैं, नहीं, दो ही नोट बच रही हैं, 2000 और 20 रुपए, 2000 और 20 रुपए। तो 2000 की नोट पर मंगलयान बना हुआ है, क्या बना है? मंगलयान। और एलोरा की गुफा कितने रुपए की नोट पर है? 20 रुपए की नोट पर है। कितने रुपए की? 20 रुपए की नोट पर है। रानी का वाव क्या है? रानी का वाव ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। इसको 1063 ईस्वी में सोलंकी वंश के शासक ने अपनी पत्नी के लिए बनाया था। यह एक सीढ़ीदार कुआं है, ठीक है। रानी का वाव जो गुजरात में है, यह एक सीढ़ीदार कुआं, उसी को रानी का वाव कहा गया। अब कभी आपको यह सवाल इतिहास ने पूछ लिया कि रानी वाव का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया, तो सोलंकी वंश के। या रानी का वाव कहां पर है? तो गुजरात में है। और किस नोट के पीछे है? तो आपके सामने है, 100 रुपए की नोट के पीछे किसका है? रानी वाव का है। अब होता है कि सोलंकी भीमदेव प्रथम ने बनवाया था, ठीक है। सोलंकी वंश के शासक भीमदेव प्रथम ने बनवाया था, ठीक। लिख दे रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ऐसे सवाल मैं जानता हूं जो हमारे मित्र वाकई में सीरियस होंगे, उन्हें ऐसे सवाल मिलते होंगे तो लगता होगा यार ये छोटी सी, हमने कभी ध्यान ही नहीं दी, नोट के पीछे देखा ही नहीं। तो इसका आंसर है, एलोरा की गुफा 20 रुपए की नोट पर पाई जाती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बहुत जरूरी सवाल है ये, अक्सर देख रहा हूं हर रनिंग एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि योग दर्शन के हैं, गौतम न्याय दर्शन के हैं, ठीक। इसका आंसर है कपिल। कपिल मुनि किस दर्शन के हैं? सांख्य दर्शन के, क्योंकि वैदिक युग में 6 दर्शन शास्त्र का उदय हुआ था, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो इसका आंसर है कपिल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, उत्तर आते रहना चाहिए आपके। किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? मैं ये नहीं कह सकता कि 100% फंसेगा, पर मैं ये भी नहीं कह सकता कि यहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। तो 1773 के अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, और जो पहला इसका न्यायाधीश था वो था इम्पे, ठीक है। पहला न्यायाधीश कौन था? इम्पे था। 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके साथ साथ चाय और चीनी के व्यापार पर प्रतिबंध भी जो लगाया गया वो 1833 के अधिनियम से लगाया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आप सब जानते होंगे। 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसके तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर होते थे, सदस्य होते थे, उनकी जो पेमेंट की जाने लगी वो भारत के राजस्व से, मतलब भारत के पैसे से
उनकी पेमेंट की जाने लगी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। लेकिन ये सवाल जो बोर्ड पर दिख रहा है आपको कि भारत में ठीक है या किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, इंपॉर्टेंट सवाल है, तो 1733 का अधिनियम। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि, चोलपुरम शहर की स्थापना किसने की थी? अगर ये पुरम की जगह केवल गंगईकोंड चोल होता तो यह उपाधि हो जाती, लेकिन सवाल को ध्यान समझिए, गंगईकोंड चोलपुरम शहर की स्थापना किसने की? ऑप्शन है पुलकेशियन द्वितीय, राजेंद्र चोल, राजराज प्रथम, कृष्णदेव राय। तो इसका आंसर है राजेंद्र चोल, क्योंकि इसने पाल वंश के शासक महिपाल को पराजित करके बंगाल के पास किस गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। गंगईकोंड माने धारण करना, गंगा को जीता था तो गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था, उसके साथ साथ बंगाल में गंगईकोंड चोलपुरम नामक शहर की क्या की थी, स्थापना की थी। आपका सिर्फ और सिर्फ यहां रिवाइज करवाया जा रहा है, प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कौन सा कूट गलत है, कौन सा कूट गलत है? ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ सभ्यताएं हैं और ये उनके खोजकर्ता है हड़प्पा सभ्यता की सभ्यताओं के। सवाल है कौन सा कूट गलत है, ठीक? लोथल श्री रंगनाथ राव ने खोजा था, सही है, बिल्कुल सही। धौलावीरा रविंद्र सिंह विष्ट ने खोजा था, सही है, बिल्कुल सही। आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल किसने खोजा था, यज्ञदत्त शर्मा, एकदम सही है। बनवाली किसने खोजा, आलमन घोष, गलत। आपका आंसर है डी, बनवाली की खोज भी किसने की थी, रविंद्र सिंह विष्ट ने किया था। किसने खोजा था बनवाली को, रविंद्र सिंह विष्ट ने। और आलमंद घोष ने किसकी खोज की थी, काली बंगा की, क्योंकि यहां से काली रंग की चूड़ियां पाई गई थी, इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया, काली बंगा दे दिया गया, यहीं से जुते हुए खेत भी मिले थे। लेकिन बनवाली के हमने 50 कदम और पसंगरा में भी सवाल डाले थे तो कहा था, सॉरी 50 कदम में, बनवाली के साक्ष्यों को याद रखिएगा, जैसे मिट्टी का हल, बैलगाड़ी के पहिए के निशान, उत्तम किस्म का जौ, ये सब जो पाया गया था कहां से पाया गया था, बनवाली से पाया गया था। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, कई सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएगी चाहे आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश टकसाल, टकसाल मतलब जहां पर सिक्के बनते हैं, पैसे बनते हैं, उन्हें टकसाल कहा जाता है। तो भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश टकसाल कब और कहां स्थापित हुआ, तो 1612 सूरत, गलत, यहां पर तो व्यापारिक कोठी खुली थी। 1692 कलकत्ता, गलत, 1692 में तो गौचरनौक ने कलकत्ता शहर की स्थापना की थी। 1633 उड़ीसा, यहां पर भी अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी 1633 में भी खुली थी, तो इसका आंसर है 1757 कलकत्ता में। भारत में पहली ब्रिटिश टकसाल की स्थापना कब हुई, 1757 कलकत्ता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चीजों को छोटा इसलिए किया जा रहा है दोस्तों ताकि आप बोरियत ना महसूस करें, क्योंकि आप लोग कहते हैं सर डाटा खत्म हो रहा है, बोरिंग लग रहा है, 3 घंटे 4 घंटे के वीडियो नहीं समझ में आ रहे, इसीलिए प्रश्न ज्यादा समय कम, एक्सप्लेनेशन उससे भी ज्यादा। तो अगला सवाल है, भारत में हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना गया है, भारत में हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना गया, यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है। जिस जिस सवाल पे मैं इंपॉर्टेंट बोलता जा रहा हूं प्लीज उसको थोड़ा सा नोटिस कर लीजिएगा। अगर हो सकता है अभी नोटिस नहीं करेंगे, आप सोच रहे होंगे अरे सर थोड़ी ना पेपर बना रहे, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो फिर मत कहिएगा कि अरे यार सर तो कह रहे थे, एक बार सुन लेना था। तो भारत में हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है, फिरदौसी, इब्न बतूता, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो, आंसर बताइए इसका फट से। बिल्कुल सही, इसका आंसर है अमीर खुसरो। इसके साथ साथ अमीर खुसरो को तूते हिंद या भारत का तोता भी कहा जाता है, जिसने नूर सिपेहर की रचना की है, ठीक है। उसके साथ साथ फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है, इब्न बतूता ने रेहला की रचना की है,
निजामुद्दीन औलिया जो जिनका हाथ था गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु में, जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के लिए दिल्ली दूरस्थ अर्थात दिल्ली अभी दूर है शब्द का प्रयोग किया था, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, नजरिए से ध्यान रखिएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा वो काम नहीं है दोस्त कि सिर्फ एक चीज कराए, पूरी चीजों को मिक्स करा के, क्योंकि अब ये कहा जाए कि टॉपिक पढ़ा दिया जाए और अलग अलग टॉपिक के सवाल कराया जाए, तो अब इतना समय नहीं है। नाउ वी हैव टू कंबाइंड इट आवर स्टडी, मतलब हमारी जो पढ़ाई है जो पूरा इधर उधर फैली है उसको अब संग्रहित करके एक जगह रखने का समय आ गया, इसीलिए ये मैराथन या प्रैक्टिस होता है। 18 जून 1707 में जजाऊ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ठीक, जजाऊ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये सवाल थोड़ा हार्ड है, ये वाला सवाल हो सकता है कि लोगों को हार्ड लगे। तो जजाऊ का युद्ध किसके मध्य हुआ था, कोई आंसर देगा? जल्दी बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। इसका कोई आंसर बताएगा? इसका आंसर है ए, मुअज्जम वर्सेस आजम। ठीक है, मुअज्जम वर्सेस आजम के बीच में जजाऊ का युद्ध हुआ। यह सवाल हो सकता है आपको घुमाकर पूछ ले कि जजाऊ का युद्ध कब हुआ था, तो जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707 में हुआ था। इन सवाल को भी हम लोग ऐसे बनाते हैं कि ताकि उस सवाल के भी अगर तोड़ दिया जाए तो वहां से भी आपको आंसर निकल जाए। चलिए, तो आंसर आप टिक कर लिए होंगे, अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न को क्रम से सजाइए, ये निम्न कुछ विदेशी यात्री हैं जो अलग अलग समय में अलग अलग राजाओं के शासनकाल में भारत आए थे, तो इनका आंसर देने का प्रयास करिए, हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी बताइए। आपके आंसर देखने के लिए यहां पर देखना पड़ता है टीवी में, तो पहले कौन बताएगा, जल्दी बताइए। हेलियोडोरस आया था भागभद्र के दरबार में जो कि सुंग वंश का शासक था। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक, वेरी गुड। बारबोसा कब आया था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में। और इत्सिंग 671-72 में आया था। तो पहले क्या होगा? पहले सुंग वंश होगा, फोर नंबर कहीं दिख रहा है, चलिए सी और डी में से ऑप्शन होगा। फिर आएगा इत्सिंग 41, फिर आएगा इब्न बतूता, फिर आएगा बारबोसा। आंसर आपका क्या हो गया? सी। क्या हो गया आंसर? सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध के बाद दिया था? क्योंकि भारत के इतिहास में पानीपत के पहले भी बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था। पानीपत का युद्ध बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था, याद रखिएगा। और पानीपत, खानवा, घाघरा, चंदेरी, ये युद्ध भी बाबर के द्वारा भारत में लड़े गए, और प्रत्येक युद्ध के बाद बाबर ने कुछ ना कुछ घटनाओं को अंजाम दिया था। तो पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी, क्योंकि इसने प्रत्येक काबुल वासियों को चांदी के सिक्के बंटवाए थे। उसके साथ साथ पानीपत के युद्ध के बाद ही बाबर ने पानीपत में काबुली बाग नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक, जो कि भारत में मुगलों के द्वारा बनवाई गई सर्वप्रथम मस्जिद थी। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद पानीपत में करवाया था। इसने खानवा के युद्ध में जब राणा सांगा को पराजित किया था बाबर ने, तो उसके बाद इसने जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, गाजी माने होता है काफिलों का सरदार। इसके समय इसमें इस समय किताबें इसकी परिभाषा देती है सरों का सरदार, क्योंकि इसने प्रत्येक राजपूतों को सर से उनके सर को उनके धड़ से अलग करके उसकी गद्दी बनवाकर बैठा था। लेकिन आपका आंसर क्या है? जिहाद माने होता है धर्म युद्ध। तो बाबर ने खानवा के युद्ध में के बाद जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी, और पानीपत के युद्ध के बाद इसने कलंदर की उपाधि धारण की। वेरी गुड, सब बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, सोचने का मौका नहीं देंगे, पूरा मिक्सिंग सवाल बनाए हैं दोस्त, पूरी रात भर जग के सवाल बनाना पड़ता है, कहीं से कॉपी पेस्ट अगर हम करते तो हम मानते, देखिए हम मानते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, सब लोग कहते हैं, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, और जो इंसान स्ट्रगल करके किसी ऊंचाई पर जाता है तो वो वाकई में अपने आप को वो शो नहीं करता है, पर वो वाकई में मेहनती होता है। बोलना तो अधिकार है हमारा, वाक की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 आपने किया होगा, मैराथन संविधान का सर का। तो अगला सवाल है, कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन के समय किसने अध्यक्षता की थी? अध्यक्ष कौन थे?
क्योंकि इसी अधिवेशन के बाद कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया था। किसमें? नरम दल और गरम दल में। उसके बाद इन दोनों दलों का विलय 1916 में हुआ, जब अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किया था। तो इसका आंसर क्या है? राज बिहारी घोष है। क्या आंसर है? राज बिहारी घोष, जो कि सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस अधिवेशन की क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कौन सा कूट गलत है बताइए, कौन सा कूट गलत है इसमें से? खिलाफत पार्टी का गठन 1919 में हुआ था, अली ब्रदर्स ने किया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। स्वराज पार्टी का गठन 1922 लिखा हुआ है, इसका गठन मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने इलाहाबाद में किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक। पूना समझौता गांधी, मतलब मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर के बीच में, गांधी के नेतृत्व में 1932 में हुआ। तो इसका कौन सा कूट गलत है? स्वराज पार्टी, क्योंकि स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में नहीं 1923 में हुई थी। किसने किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, हमने अभी आपको बताया, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किया था। खिलाफत पार्टी का गठन किसने किया था? खिलाफत पार्टी का गठन अली ब्रदर्स ने किया था, ठीक है। उसके बकरुल मुल्क ने मुस्लिम लीग के, मुस्लिम लीग की स्थापना में सहायता की थी। तो आपका आंसर क्या है? बी, स्वराज पार्टी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मिलाप कीजिए, सारे प्रकार के सवाल हैं, मिलाप कीजिए। चलिए देखिए, यह संधि है, क्योंकि देखिए पीसीएस के एग्जाम में भी संधि से जुड़ा हुआ सवाल आया, प्रश्न संग्रह में जो कर रहा था सेम सवाल एपीओ के एग्जाम में भी फंस गया था, जो कि संधि से जुड़ा हुआ था। उसके बाद के एग्जाम जो हुए पीसीएस के, उसमें भी संधि से जुड़ा हुआ सवाल था। तो संधि से जुड़े हुए सवाल आज की डेट में पूछे जा रहे हैं, तो आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो ये मराठाओं की कुछ संधियां हैं, पूना की संधि 1800, तो इसको मिलाप करना है। पूना की संधि जो हुई थी, हम आपको बता देते हैं, ये बाजीराव द्वितीय, पूना की संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। यह भी संधि बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सूरत की संधि किससे किससे बीच में हुई थी? कोई बताएगा? जल्दी से बताइए। सूरत की संधि जो हुई थी, रघुनाथ राव और कंपनी के बीच में हुई थी, ठीक। और संगोला की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? कोई बताएगा? इसकी संधि राजराज द्वितीय और किसके बीच में हुई थी? बताइए, आप आंसर बताइए, उसको मत देखिए, ठीक है। बालाजी बाजीराव, ठीक, बालाजी बाजीराव किसके किसके बीच में हुई थी? राजराम, कौन था? राजराम था। कौन था दोस्तों? राजराम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच में हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई बताएगा? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। पूना की संधि कब हुई? 1817 में हुई। बेसिन की संधि कब हुई? 1802 में हुई। सूरत की संधि कब हुई? 1775 में हुई। और संगोला की संधि कब हुई? 1750 में हुई। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें प्लीज गलती मत करिएगा इस सवाल को। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एका ब्राह्मण, ठीक है, एका ब्राह्मण किसे कहा गया? यह भी बहुत प्रचलित सवाल है यूडीएलडी एग्जाम का। एका ब्राह्मण किसे कहा गया? क्योंकि वर्ण व्यवस्था का पुनः स्थापन करता या वर्ण व्यवस्था को आश्रय देने वाला शासक हुआ मौर्योत्तर काल में, तो एका ब्राह्मण गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा गया है, क्योंकि गौतमी पुत्र सतकर्णी के शासनकाल में वर्ण व्यवस्था की पुनः शुरुआत हुई थी। तो किसी ने भी आपसे पूछा कि एका ब्राह्मण किसे कहा गया, तो एका ब्राह्मण गौतमी पुत्र सतकर्णी को कहा गया था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल बस देखिए, स्टैंडर्ड देखिए, आप खुद कहेंगे कि हां सवाल कैसा है। हाथी दांत पैमाना कहां से मिला है? हाथी दांत पैमाना कहां से मिला है? आंसर बताइए जल्दी, हम आपके आंसर्स देख रहे हैं, जल्दी से आंसर बताइए। बिल्कुल सही, लोथल से मिला है, ठीक है।
हाथी दांत पैमाना कहां से पाया गया? लोथल से। लोथल जो कि हड़प्पा का प्रमुख पत्तन शहर भी था, या खोजा गया सबसे पहला गोदीबाड़ा या बंदरगाह भी जो था लोथल था। देखिए दोस्त, एक्सप्लेनेशन का अब चाहे तो एक्सप्लेनेशन सबकी देते चले, लेकिन वही होगा फिर सवाल कम होंगे। अब आप एक्सप्लेनेशन हो चुके हैं, अब आपको बस रिवाइज करना है। रिवाइज करना है तो मतलब रिवाइज करना है, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? लोथल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। किस आंदोलन के दौरान गांधी ने भूख हड़ताल किया था? किस आंदोलन के दौरान गांधी ने भूख हड़ताल किया था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, बताइए। यस, बिल्कुल सही, इसका आंसर है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, क्योंकि यहां पर बोनस को समाप्त कर दिया गया था और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यहां के मजदूरों की मांग थी कि बोनस को कुछ दिन और जारी रखा जाए, और दिन चलाया जाए। तो जब बोनस को समाप्त कर दिया गया तो यहां के मजदूरों ने आंदोलन कर दिया। तो मिल मजदूर मालिक अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बहन के कहने पर गांधी अहमदाबाद गए और गांधी ने यहीं पर अपना सर्वप्रथम भूख हड़ताल किया था और गांधी को सफलता प्राप्त हुई। तो इसका आंसर है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कौन सा कूट गलत है? ठीक, कौन सा कूट गलत है? तत्वबोधनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर, आदि ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण मिशन, दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल ऑलकॉट, ठीक है। सो कंप्लीट कर दें, सोसाइटी, ठीक है। क्या है? सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन, क्योंकि रामकृष्ण मिशन किसका है? बिल्कुल सही, स्वामी विवेकानंद का है, आंसर देते रहिए। और दयानंद सरस्वती का क्या है? आर्य समाज है। दयानंद सरस्वती का क्या है? आर्य समाज। और इन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना की है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी इन्हें की है। इन्हें ही भारत का मार्टिन लूथर भी कहते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? बिल्कुल सही, स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो कौन सा कूट गलत है? सी, रामकृष्ण मिशन का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया? ठीक, यह भी बहुत प्रचलित सवाल है दोस्त, अक्सर पूछा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया? ऑप्शन है इरविन, तैयब जी, जमन लाल बजाज, अब्दुल गफ्फार खां। जमन लाल बजाज को गांधी का पांचवा पुत्र कहा गया है, ठीक। तो इसका आंसर है अब्दुल गफ्फार खां। इनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी और उसके साथ साथ फखरे अफगान के नाम से भी जाना गया। तो गफ्फार खां को सीमांत गांधी, फखरे अफगान और इसके साथ साथ बताइए इन्होंने कहां का नेतृत्व किया था? उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत का। उसके साथ साथ इन्होंने किसका गठन किया था? इन्होंने खुदाई खिदमतगार का गठन किया था। इन्होंने खुदाई खिदमतगार का गठन किया था और इन्होंने ही लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था। कौन सा आंदोलन? लाल कुर्ती आंदोलन। तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया है? अब्दुल गफ्फार खां को कहा गया है। चलिए बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्रम से सजाइए। अब देखिए, आप कहेंगे सर ये क्या है, कांड वगैरह दे दिए। वीडियो के एग्जाम में भी पूछा गया था रामायण से सवाल, मंडी परिषद में पूछा गया। हम नहीं ले सकते, राम मंदिर अभी करंट का मुद्दा है, जो कि है कि रामनवमी से चालू होगा। तो क्या पता रामायण के कांड के बारे में पूछ ले, तो क्या आप नहीं कर पाएंगे रामायण के कांड? सात कांड हैं। चलिए क्रम से बताइए जल्दी जल्दी। लो हो गया, रामायण के कांड ही नहीं पता आप लोगों को, बताइए इसका क्रम बताइए, ठीक है। पहले कौन सा होगा फटाफट बताइए दोस्तों, एकदम गलती मत करिए, ठीक है। पहले होगा बाल कांड, तीन तीन किस्में है, ए और सी का ऑप्शन हो गया। उसके बाद होगा अरण्यक कांड, आपका आंसर है ए। बाल कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, फिर लंका कांड, ठीक है। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, ठीक। उसके बाद सुंदर कांड, युद्ध कांड, उत्तर कांड, ऐसे सात कांड हैं। इन चीजों को कभी गलत मत करिए, जिसमें सबसे बड़ा
बालकांड है और सबसे छोटा कौन सा कांड है, किष्किंधा कांड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने करवाया था? सवाल है दिल्ली सल्तनत, कोरोना नहीं जाएगा दोस्त, कैमरे पे है। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम नहरों का निर्माण किसने करवाया था? सर्वाधिक नहर नहीं पूछ रहा है, सर्वप्रथम पूछ रहा है। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। आंसर बताइए। बिल्कुल सही, गयासुद्दीन तुगलक। और अगर यही पूछता कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया है, तो सर्वाधिक नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है, लेकिन सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया है, गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया है। दोस्त कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है, हमें सब आता है, बस ये जान के रखना है और हम जरूर सही करके आएंगे, हम मतलब आप सब, हमें नहीं देना है। और सवाल जो भी है, मैं जान रहा हूं जो पढ़ते लिखते हैं बहुत लोग हैं, कुछ लोग तो होते हैं जो केवल कमेंट्स के लिए ही आते हैं कि टीचर के बारे में उल्टा सीधा कमेंट्स करें, उनके फ्लो को तोड़े, वो अलग अलग लोगों की राजनीति रहती है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, मेरे लिए सब बराबर है। वो राजनीति करके हमें नीचा दिखाते हैं और हम पढ़ा के खुद को ऊंचा कर लेते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। तो कोई दिक्कत नहीं, उनसे उनकी बातों को ध्यान मत दीजिए, मुझे पता है जो पढ़ते लिखते हैं उन्हें ये सवाल समझ में आ रहे होंगे किस लेवल तक लेके जा रहा है आपको। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मिलाप कीजिए, देखिए युद्ध और डेट भी पूछे जा रहे हैं आजकल, हम इनसे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल सही, 1194। सारागढ़ी का युद्ध कब हुआ था, कोई बताएगा? सारागढ़ी का युद्ध कब हुआ था? सारागढ़ी नहीं याद आ रहा है, केसरी मूवी आई थी अक्षय कुमार की, उसी में इस युद्ध के बारे में दिखाया गया है, देखा करिए मूवी से भी। अब सारागढ़ी से दो बार सवाल आ चुका है, हो सकता है फिर बन जाए, ठीक है। करनाल का युद्ध कब हुआ था, कोई बताएगा? करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था, ठीक है, जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया था, करनाल का युद्ध में पराजित किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, तो सारागढ़ी का युद्ध कब होगा, 1897 में होगा। तो आपका आंसर क्या हो रहा है, ए का टू किसमें है, तीन ऑप्शन में है, बी का फोर किसमें है, दो ऑप्शन में है, करनाल का, सी का वन किसमें है, डी। बिल्कुल सही, आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और यहां से एक नए युद्ध की डेट जरूर आएगी, डैम श्योर आना है पक्का। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कौन सा कूट गलत है, पलासी का युद्ध 1757, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में 1760, बक्सर का युद्ध, त्रिकोण श्रृंखला मतलब शाह आलम द्वितीय, उसके बाद सुजाउद्दौला और मीर कासिम की सम्मिलित सेना का युद्ध हेक्टर मुनरो के साथ, ठीक है, 1764, बेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच, नहीं ये गलत है, ये बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में, ना कि 1758 में। तो आपका आंसर क्या है, डी है। क्या आंसर है आपका, डी। चलिए बहुत अच्छा, अगले सवाल पर चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय ने, ठीक है, किसे साहब आलम बहादुर की उपाधि दी थी, यह सवाल भी बहुत जरूरी है, बहुत रेयर किताबों में मिलता है। तो 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि आखिरी मुगल बादशाह था, जिसको हुमायूं के मकबरे के पास पकड़कर रंगून भेज दिया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी, तो किसने किसको उपाधि दी थी, नाना साहब को, नहीं गलत है, तात्या टोपे, नहीं तात्या टोपे तो कमांडर इन चीफ थे नाना साहब के, बिरजिस कादिर, नहीं गलत है, बेगम हजरत महल के पुत्र थे, आंसर है बख्त खां, क्योंकि बहादुर शाह की उम्र इस समय लगभग 80 से 82 वर्ष थी, इसीलिए उसने बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था और उसने बख्त खां को साहब आलम बहादुर की उपाधि दी थी। बहादुर शाह, बख्त खां और उनकी पत्नी बहादुर शाह की जीनत महल, इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बख्त खां। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल में बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपका पूरा हिस्ट्री रिवाइज हो रहा होगा। गांधी ने किस आंदोलन के दौरान अपनी उपाधियों का अंत किया था, जैसे कैसरे हिंद,
जुलू युद्ध, आर्मी में भर्ती करने वाला सर्जेंट, बोर पदक, इन तमाम उपाधियों का अंत गांधी ने किस आंदोलन के दौरान किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, नहीं गलत है, इस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि त्यागी थी, किसकी? नाइट की उपाधि त्यागी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन, नहीं, इसका आंसर है असहयोग आंदोलन जो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। इसी आंदोलन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पर बल दिया गया। इसी समय कई सारे देशी कॉलेज और स्कूल की स्थापना, जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, इसी समय प्रमुख कार्यक्रम चरखा बांटना, सूत काटना, मतलब स्वदेशी वस्त्रों का इस्तेमाल असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुआ और गांधी ने अपनी तमाम उपाधियों का अंत असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए दोस्त, आपके आंसर एकदम सही आ रहे हैं, ठीक, मैं सबके आंसर्स देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि सवाल ज्यादा है, पढ़ाना है उनको, 4-5 घंटे के वीडियो बना दूंगा तो आप एकदम नहीं देखेंगे, अगर 4 घंटे की मूवी होगी तो आप देख लेंगे, मैं जान रहा हूं, लेकिन 4 घंटे की पढ़ाई का वीडियो आप नहीं देखेंगे। और मैं ऑलरेडी इतने ज्यादा एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं हर चीजों में, 50 के दम में, प्रश्न संग्रह में, मेरे बैच के जो मेरे दोस्त लोग देख रहे हैं वो जानते हैं कि सर ने बैच में भी इतने सारे क्वेश्चंस करा दिए, सब क्वेश्चन सर अलग अलग लाते कहां से, ये बनाना पड़ता है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। और अगर हम कह रहे हैं कि हाँ इसे पढ़ लीजिए, यहीं से फंस सकते हैं, तो कुछ सोच समझ से कह रहे होंगे, बाकी आपकी मर्जी, ये नहीं कि नहीं फंसेगा तो फिर आप गुस्सा हो जाएगा, नहीं, आप सारी चीजें बार बार कहूंगा, 50 दम, प्रश्न संग्रह, और इसको जरूर देखिएगा, हिस्ट्री के यहीं से आने हैं, उम्मीद यही करूंगा कि आपके 80 से 90% यहीं से फंसा दूं। तो भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? गांधी, नहीं, बहुत गलत, ठीक है, भारत में राजनीति चालू हो गई थी तब गांधी भारत आए थे। दादा भाई नौरोजी, नहीं, इन्होंने भले 1885 में कांग्रेस का नाम बदलकर INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस किया था। मंगल पांडे, नहीं, ये 34वीं छावनी के सैनिक थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की, तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। तो भारतीयों में सबसे पहले राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने वाले व्यक्ति कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन थे दोस्त? राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कौन सी घटना है जो वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं हुआ था? आप कमेंट्स कुछ भी करिएगा, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, बस मैं चाहता हूं कि अगर 1000 लोगों में से कोई एक भी बंदा या बंदी ये बात लिख दे कि नहीं सर, हाँ क्वेश्चंस बहुत लाजवाब थे, मजा आ गया, हिस्ट्री रिवाइज हो गई, तो शायद मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। बस मैं आपसे ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि क्या थे, क्या क्वेश्चंस जो है आपके लिए इनफ है, क्या क्वेश्चंस है जो आपको मजा दे रहे हैं सॉल्व करने, लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फंसते हैं, तो जरूर ये बात अपने कमेंट्स में जरूर करिएगा दोस्त, मैं कमेंट्स बहुत पढ़ता हूं, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो लोग हैं जो मेरे विद्रोह करते हैं, मेरा मतलब विरोध करते हैं, वो कुछ भी लिखें, उनको भी मैं पढ़ता हूं, अच्छा लगता है, ठीक है, लगता है हाँ मैं ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा हूं। खैर, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कौन सी घटना है जो वैशाख पूर्णिमा के दिन नहीं हुआ था? जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु, तो इसका आंसर है बिल्कुल सही, गृह त्याग। गौतम बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, इनको ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा के दिन मिला और इनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। यही रीजन है कि वैशाख पूर्णिमा को किस नाम से जाना गया? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना गया। तो वैशाख पूर्णिमा को हम किस नाम से जानते हैं? बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती थी, मतलब कहां की थी? मांडू की, आसिरगढ़ की, क्योंकि आसिरगढ़ का आक्रमण अकबर का आखिरी आक्रमण था, रामगढ़ की, और मंडला गढ़कटनंगा की थी, कहां की थी? इसका आंसर मैं जान रहा हूं, बहुत लोग नहीं दे पाएंगे लेकिन कुछ लोगों से उम्मीद करता हूं, चलिए आंसर तो मैं देख रहा हूं, हाँ बिल्कुल सही, ठीक, इसका आंसर क्या है? मंडला गढ़कटनंगा की थी। तो कभी भी सवाल आया कि रानी दुर्गावती जिनका युद्ध अकबर के साथ हुआ था वो कहां की थी, तो आंसर हो जाएगा मंडला गढ़कटनंगा की, बिल्कुल सही। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अष्ट प्रधान नाम की मंत्री परिषद थी, मतलब अष्ट दिग्गज तो थे कृष्ण देव राय के शासनकाल में, ठीक, 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय अकबर के, और अकबर के शासनकाल में अष्ट प्रधान भी किसी के प्रशासन में था,
तो ऑप्शन है गुप्त प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में, चोल प्रशासन में और मराठा प्रशासन में। मुझे पता है सब आग बंद करके टिक करेंगे, क्योंकि शिवाजी अभी जो मूवी आई थी कौन सी, तानाजी, तानाजी में आप देखे होंगे मूवी की शुरुआत में ही, ठीक है, जो केलकर है क्या नाम है उसका याद नहीं आ रहा है, जो शिवाजी बने थे वो घोड़े के साथ अपने मंत्रियों के साथ जा रहे थे, शुरू में ही इस वर्ल्ड का जिक्र था मूवी में, आप तानाजी में देखे होंगे। तो मराठा प्रशासन में थे, अष्ट प्रधान नामक मंत्री परिषद। चलिए एकदम सही दोस्तों, अगले सवाल पे बढ़े, इसको टिक कर लीजिएगा, यह सवाल भी सही है। अगला सवाल, कौन सा कूट गलत है, यह है 1857 के विद्रोह के कुछ नेतृत्वकर्ता जिन्होंने अलग अलग जगह पे विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक, लियाकत अली बनारस, ये बिल्कुल सही है, कई लोग इसी को गलत कर देंगे, नहीं, लियाकत अली इलाहाबाद और बनारस दोनों जगह किए, मणि दीनाराम दत्त असम, ये भी सही है, वीर कुंवर सिंह बरेली, ये गलत है, बरेली में खान बहादुर खान ने किया था, वीर कुंवर सिंह ने कहां किया था, जगदीशपुर में किया था, कहां पर किया था, जगदीशपुर में, और अहमदुल्ला ने फैजाबाद में किया था, जिन्होंने जिहाद को आधार बनाकर 1857 का विद्रोह लड़ा था, और वीर कुंवर सिंह को ही बिहार का सिंह कहते हैं, तो बिहार का जो सिंह है वो किसे कहा जाता है, वीर कुंवर सिंह को कहा जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि वीर कुंवर सिंह ने कहां पर नेतृत्व किया था, जगदीशपुर में किया था। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल में बढ़ते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था, करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था, हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, किस आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और करो या मरो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस, नहीं गलत, इन्होंने क्या किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और सब इसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं आजकल, खैर कोई बात नहीं, मेहर अली, नहीं, मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, किसका नारा दिया था, भारत छोड़ो का, गांधी, लग रहा है, बिल्कुल सही, 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उसी समय गांधी ने कौन सा नारा दिया, करो या मरो का, सीआर दास जी की तब तक मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु 1925 में ही हो गई थी, जिसके बाद स्वराज पार्टी का अंत हो गया था, तो इसका आंसर क्या हो गया, गांधी, बिल्कुल सही। अगले सवाल पर चलते हैं, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था, रोमन और कैथोलिक दो होते हैं, तो कैथोलिक मतलब भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, चेम्सफोर्ड, नहीं, इसके समय में जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा, जलियावाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था, क्योंकि जलियावाला से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने प्रश्न संग्रह 50 दम में करा दिए हैं। रीडिंग, माउंटबेटन आखिरी वायसराय था भारत का, और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था माउंटबेटन, ठीक। कर्निंग, ये 1857 के विद्रोह के समय था, और ये भारत का पहला वायसराय था, क्योंकि 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा, तो आपका आंसर हो गया रीडिंग, ठीक है। तो भारत का एकमात्र जो यहूदी वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड रीडिंग था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा किसके हाथों में था, बताइए, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था, यह मेंस का सवाल है, यूपीएससी के, सॉरी यूपीपीसीएस के मेंस का सवाल है, ये दो बार आया है इसीलिए वहां से उठाया हूं, सवाल हो सकता है आपको पूछ लिया जाए, तो इसका आंसर है ताराबाई, ठीक है। तो औरंगजेब की मृत्यु के समय जाट शासक चूड़ामान का विद्रोह हुआ था, और उसी विद्रोह में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, तो ताराबाई के हाथों में था, किसके, ताराबाई के। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, महावीर स्वामी ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहां दिया था, फिर गलती कर रहे हैं दोस्त आप लोग, ना ना ना, सवाल पढ़िए, महावीर स्वामी का उपदेश पूछ रहा हूं, गौतम बुद्ध का नहीं, ए ऑप्शन नहीं होगा, महा बहुत रेयर किताबों में मिलता है, लेकिन हमने पढ़ाया, आपने पूरे बैच में पूरी चीजों कंप्लीट कराया है, तो महावीर स्वामी ने अपना सर्वप्रथम उपदेश कहां दिया था,
सारनाथ नहीं, यहां पर गौतम बुद्ध ने दिया था। कुशीनगर नहीं, यहां पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। पावापुरी नहीं, यहां पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। वैशाली में दिया था। कहीं कहीं राजगृह भी लिखा मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने दिया था। सारनाथ में किसने दिया? गौतम बुद्ध ने। कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और वैशाली में महावीर स्वामी ने अपना सर्वप्रथम क्या दिया था? उपदेश दिया था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कौन सा कूट गलत है? ये जो लोगों के नाम है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, जिसका गठन कब हुआ था? बिल्कुल सही, 24 अक्टूबर 1924 को। ये जो लिख रहे हैं उन्होंने पक्का प्रश्न संग्रह 50 कदम देखा होगा और या तो पढ़े होंगे। तो काकोरी कांड जो हुआ था, काकोरी कांड के तहत कुछ मुख्य आरोपियों को फांसी दी गई थी, जिसमें थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी। तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दिया गया था, रोशन सिंह को इलाहाबाद में दिया गया था, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में दिया गया था। अशफाक उल्ला खां आपका आंसर होगा, क्योंकि इनको प्रतापगढ़ में नहीं फैजाबाद में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को कहां फांसी दी गई थी? फैजाबाद में। कौन सा कूट गलत है? ठीक है, कौन सा कूट गलत है? कोई दिक्कत नहीं है, इंसानी टाइप करते थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, उसको अंडरस्टूड है। ठीक है, तो क्या होगा? अशफाक उल्ला खां फैजाबाद। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ गलतियां निकालने के लिए देख रहे होंगे। खैर कोई बात नहीं। हाँ, निम्न को क्रम से सजाइए, निम्न को क्रम से सजाइए। किले कूना, इसका निर्माण बताते हैं किसने करवाया था? सेठ शाह सूरी ने। रुकिए बड़ा सा लिख देते हैं, कई लोग कमेंट में कहते हैं सर थोड़ा बड़ा सा लिखा करिए। ठीक है, बड़ा सा लिख दे रहे हैं। किले कूना का निर्माण सेठ शाह सूरी ने करवाया था। किसने? सेठ शाह सूरी ने करवाया था। हुमायूं का मकबरा किसने? ये दिल्ली में है, किले कूना। कभी पूछ दिया गया कि किले कूना कहां है? दिल्ली में। या कभी आपसे पूछ दिया गया कि किले कूना का निर्माण किसने करवाया? तो सेठ शाह सूरी ने। हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने करवाया है। किसने? हाजी बेगम ने। ये कहां पर है? दिल्ली में है। बिल्कुल सही। उसके बाद शीश महल कहां है? दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था शीश महल का निर्माण। इस्लाम खां का मकबरा, इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। इस्लाम खां का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। ठीक, अच्छा, इस्लाम खां का मकबरा लिखना भूल गए, कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में है। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी। अब बताइए कौन सा क्रम होगा, जल्दी आंसर बताइए। हमने आपको हिंट दे दिया है कौन सा क्रम होगा, जल्दी बताइए। पहले किले कूना, फिर क्या बनेगा? हुमायूं का मकबरा, फिर अकबर आएगा और फिर शीश महल बनेगा। सी, 1 2 3 4, क्या सी होगा इसका आंसर? चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? बदायूनी, फैजी, मुल्ला श्री, अबुल फजल, इसका आंसर बताइए। देखिए, मुल्ला श्री ने महाभारत का किया था। किसका? महाभारत का। फैजी ने किसका किया था दोस्त? फैजी ने लीलावती का किया था। अबुल फजल ने किसका किया था, कोई बताएगा? अबुल फजल ने पंचतंत्र का किया था, जो कि विष्णु शर्मा का था। तो आंसर क्या है? बदायूनी। बदायूनी ने रामायण का किस भाषा में अनुवाद किया था? फारसी भाषा में अनुवाद किया था। बिल्कुल सही। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। छोटा कर देते हैं थोड़ा, ठीक। चलिए, क्योंकि सवाल दूसरे पेज में चला गया है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर कर देते हैं। दिख रहा है आप लोगों के कैमरे में? हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मोपाला विद्रोह का विलय, मोपाला विद्रोह का विलय किस आंदोलन में हुआ था? नमक आंदोलन, वहाबी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या इनमें से कोई नहीं। मोपाला विद्रोह जो कर्नाटक में चला था, जहां पर काले लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था और उनको हिंदू जमींदार काफी पीड़ित कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या है? असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान
मोपाला विद्रोह का विलय हुआ था असहयोग आंदोलन में, और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन गांधी ने क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए, केंद्रीय संग्राम समिति का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है जेपी नारायण। किसने किया था? जेपी नारायण। केंद्रीय संग्राम समिति, और क्या कहते हैं, हजारीबाग से, ये हजारीबाग के जेल से भागकर इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन दौरान क्या हुए थे, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से भागकर किसका गठन किए थे? बिल्कुल सही, केंद्रीय संग्राम समिति का गठन किए थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मिलाप कीजिए, संधि वाला सवाल फिर आ गया। मैं संधि वाले सवाल का रिस्क नहीं लेना चाहता हूं, एकदम नहीं। मद्रास की संधि, लाहौर की संधि, भैरोवाल की संधि, मंगलौर की संधि। तो मद्रास और मंगलौर ये दोनों संधि आंग्ल मैसूर युद्ध का है, प्रमोशन वीडियो में है, जो देखा होगा उसको मिला होगा। और लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि जो है ये भी आंग्ल सिख युद्ध से जुड़ा हुआ है। जिसने आंग्ल सिख युद्ध का वीडियो देखा होगा प्रोफेसर, उसको भी ये मिला होगा। वो दोनों वीडियो बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर बताइए फट से ना, इसका आंसर है ए, ठीक है। मद्रास की संधि कब हुई थी, कोई बताएगा? मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, लाहौर की संधि हुई थी 1846 में, भैरोवाल की संधि हुई थी, इसमें जहां गलती हो गई है दोस्त, ठीक है, भैरोवाल की संधि जो थी ये थी 22 मार्च 1846 को, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी गलती होगी, क्योंकि लाहौर की संधि जो हुई थी अंग्रेजों और सिखों के बीच में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, इसीलिए हमको पूरा डेट लिखना पड़ा, ठीक है। ये 22 दिसंबर होगा, ठीक, इस ऑप्शन को हम पूरा लिख देते हैं 22 दिसंबर 1846 को, क्योंकि 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई और ये जो संधि थी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, इसीलिए फिर उसके बाद क्या हुआ कि रानी जिंदन पे आरोप लगाकर उनको पद से हटा दिया गया और भैरोवाल की संधि हुई, जिसमें क्या था कि 8 सिखों का समूह बनाया गया जिसका प्रमुख हेनरी लॉरेंस बना, जो कि सिख साम्राज्य पर अपना अधिकार करना चाहता था। तो भैरोवाल की संधि हुई थी 22 दिसंबर 1844 को, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को, मद्रास की संधि 4 अप्रैल, मंगलौर की संधि मार्च 1784 को। तो आपका आंसर क्या है, ए है। क्या है आपका आंसर, ए। चलिए अगले सवाल चलते हैं, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं। शतरंज खेल का आविष्कार कब हुआ था? शतरंज खेल का आविष्कार किसके काल में हुआ था? मौर्य काल, गुप्त काल, मौरोत्तर काल और पुष्यभूति वंश, कोई इसका गेस कर पाएगा? इसका आंसर है गुप्त काल। भारत में शतरंज खेल का आविष्कार गुप्त काल में हुआ था। किस काल में? गुप्त काल में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में शल्य का विकास किसने किया था? शल्य माने सर्जरी। चरक जो थे इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, ये भी चिकित्सक थे, कनिष्क के दरबार में। धन्वंतरी जो थे ये भी चिकित्सक थे, चंद्रगुप्त के नवरत्न में थे ये, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ब्रह्मगुप्त जो थे इन्हें भारत का न्यूटन कहा गया, इसका आंसर है सुश्रुत। सुश्रुत भी गुप्तकालीन थे, ठीक है। सुश्रुत ने ही चिकित्सा के क्षेत्र में शल्य अर्थात सर्जरी का विकास किया था, और इन्होंने ही कहा था सोना चांदी और तांबा की भी औषधि बन सकती है, उससे भी रोगों का निवारण पाया जा सकता है। चलिए अगला सवाल चलते हैं, 50 नंबर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई तथा नासिक में रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने की थी? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई तथा नासिक में रेडियो स्टेशन की स्थापना किसने की थी? चीतू पांडे ने इसी समय समानांतर सरकार का गठन किया था। कहां पर किया था समानांतर सरकार का गठन? गाजीपुर और बलिया में। कहां पर किया था? गाजीपुर और बलिया में किया था। इसका आंसर है ऊषा मेहता, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऊषा मेहता ने नासिक में रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी, जिसमें राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से क्या थे, बोलते रहते थे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 51 पे, और सब उम्मीद कर रहा हूं चीजें आपको समझ में आ रही हो, सब चीजें एकदम। बस मैं भैया आपके कमेंट्स में ये नहीं चाहता कि मैं क्या करूं, बस कमेंट्स में क्या सवाल लाजवाब हैं,
क्या मजा आ रहा है, बस इतना चाहता हूं मैं। तो अगला सवाल है, ठीक है, बहुत लॉजिकल सवाल है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत एलन बैरो ऑप्शन में है, विलियम बेंटिक, जॉन सोर, वेलेजली। ठीक है, एलन बैरो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था, बाकी लोगों ने नवजात शिशु हत्या का उन्मूलन किया था। इसके बारे में प्रश्न संग्रह में आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा। इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह सवाल भी जरूरी है। राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं। गुप्त काल में अश्वमेघ यज्ञ की शुरुआत किसने की थी? ये बीएड में आया हुआ सवाल है। आप लोग बीएड क्वालिफाई किए तभी बीओ का पेपर दे रहे हैं, तो ये बीएड में आया हुआ सवाल है कि गुप्त काल में अश्वमेघ यज्ञ की शुरुआत किसने की। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त। इसका आंसर है बी, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ प्रकार के सिक्के चलवाए थे। ठीक, समुद्रगुप्त ने किस प्रकार के सिक्के चलवाए थे? अश्वमेघ प्रकार के सिक्के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला जासूसी ग्रंथ, पहला जासूसी ग्रंथ होगा तो आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। याज्ञवल्क्य की मनुस्मृति को भी कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन है अर्थशास्त्र, मृच्छकटिकम्, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस। तो संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला जासूसी ग्रंथ कौन सा है? आंसर बताइए फट से। बिल्कुल सही, इसका आंसर है मुद्रा राक्षस, जिसको किसने लिखा है? विशाख दत्त ने लिखा है। किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। हम बार बार कह रहे हैं रिवाइज करना है, रिवाइज। और कई लोग हैं जो क्वेश्चंस लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं, बस क्वेश्चंस लिखिए। बंदी जीवन, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बंदी जीवन किस युवा क्रांतिकारी की लिखित पुस्तक है? इसका आंसर मैं सबसे जानना चाहूंगा। बंदी जीवन, चलिए बताइए आपके आंसर्स, देख रहे हैं बोर्ड पे, आपके आंसर बताइए किसकी लिखित पुस्तक है? भगत सिंह, सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और खुदी राम बोस। बिल्कुल सही, इसका आंसर है सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। उसी के तहत कौन सी पत्रिका प्रकाशित हुई थी? बंदी जीवन नामक पत्रिका प्रकाशित हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते। गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? क्योंकि ऐसा आपको पता है कि गांधी ने केवल एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, केवल एक ही कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी ने की थी। कहां की? फैजपुर। नहीं, फैजपुर का जो अधिवेशन है यह प्रथम गांव अधिवेशन है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक, याद रखिएगा, कभी पूछ दिया गया कि कांग्रेस का पहला गांव का अधिवेशन कौन सा है, तो फैजपुर, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर होगा बेलगांव। कहां की अध्यक्षता किए थे गांधी ने? बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के। बिल्कुल सही। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कौन सा कूट गलत है, बताइए कौन सा कूट गलत है? गडकारी विद्रोह, बाबा जी अहिरेकर, ठीक है, कूका विद्रोह, ये कहां होगा दोस्तों? ये है कूका विद्रोह, जवाहरमल, टाइपिस्ट में गलती हो जाती है, जवाहरमल, ठीक है, खासी विद्रोह, तीरथ सिंह, भील विद्रोह, सिद्धू और कानू। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही, क्या होगा? भील विद्रोह। इसका कौन थे? दशरथ थे और सेवाराम थे। बिल्कुल सही। और सिद्धू और कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था, जल्दी बताइएगा? सिद्धू और कानू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? बिल्कुल सही, एकदम सही, आप लोग पूरे आंसर्स भी लिख रहे हैं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसका? संथाल विद्रोह का। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, जवाहरमल खासी असम में हुआ था, तीरथ सिंह ने। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? यह बहुत ही लॉजिकल सवाल है और उम्मीद करता हूं इसका उत्तर सब लोग देंगे। आज के अभी क्लास की शुरुआत में बंगाल गैजेट के बारे में हमने आपको बताया था, तो
तो भारत का सबसे पहला फारसी समाचार पत्र मिरातुल अखबार है, लेकिन भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है दोस्त? बिल्कुल सही, उत्तंड मारतंड है। कौन सा है? उत्तंड मारतंड। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? यह भी बीएड का सवाल था। जिल्ले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? देखिए दोस्त, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, नहीं, आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मैं बार बार कहूंगा, प्लीज कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, एकदम ऐसे ही सवाल को प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं बार बार कहूंगा कि प्रश्न संग्रह, और सुनिए मेरी बात को, प्रश्न संग्रह और 50 कदम देखते रहिएगा, चीजें आपकी सॉल्व होती रहेंगी। इसका आंसर होगा बलबन, क्योंकि बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया था और इसने कहा था कि पृथ्वी पर जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर का सेवक, किसने उपाधि धारण की थी? बलबन ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेतु बंधु ये एक पुस्तक है जिसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है। सेतु बंधु की रचना किसने की है? महेंद्र वर्मन प्रथम, महावीराचार्य, भास, प्रवर सेन द्वितीय। जल्दी बताइए, महेंद्र वर्मन ने किसकी रचना की है? बिल्कुल सही, मत विलास प्रहसन की रचना की है। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की है? महेंद्र वर्मन प्रथम ने, महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की है, भास ने स्वप्नवासवदता, ठीक, चारुदत्त और बालचरित की रचना की है। तो आंसर क्या हो गया? प्रवरसेन द्वितीय। सेतु बंधु की रचना किसने की है? प्रवरसेन द्वितीय ने किया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रवासी दिवस कब मनाया गया? जब गांधी अफ्रीका से पूर्ण रूप से भारत लौटे तब उस दिन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 को, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह का गठन किया गया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, बंबई में, जिसे काला कानून या बिना वकील या बिना अपील या बिना दलील वाला कानून की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 9 जनवरी 1915, 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1 अगस्त को कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी 1915। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? वीना दास, सरोजनी नायडू, बसंती देवी, एनी बेसेंट। आंसर बताइए फट से। हाँ बिल्कुल सही, इसका आंसर है बसंती देवी, जो कि किसकी पत्नी थी? सी आर दास की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी बसंती देवी? सी आर दास की। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की 1917 कलकत्ता, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू, जिनको भारत का बुलबुल कहते हैं, और वीना दास जो है ये चटगांव शस्त्रागार से जुड़ी हैं। किससे जुड़ी हैं? चटगांव शस्त्रागार से। इन्हें भारत की बुलबुल कहते हैं, भारत का नाइट एंगल, ठीक है। और ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, कौन? एनी बेसेंट। तो इसका आंसर क्या हो गया? बसंती देवी। और इस आंदोलन के तहत गिरफ्तार होने वाले सबसे पहले पुरुष कौन है? तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, मोहम्मद अली, जो खिलाफत पार्टी के थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। पुणे तथा बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? पुणे तथा बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? हाँ हमको पता था, एनी बेसेंट। गलत है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में किया था, और होम रूल लीग का जो मुख्यालय था वो मद्रास के अडयार में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। पुणे तथा बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मिलाप कीजिए, चलिए मैच कराइए।
ठीक, इसको मिलाइए, मिलाप करना है। ये उपवेद हैं और ये उनके संकलन करता है, ठीक है, ये उपवेद है और ये उनके संकलन करता है। क्या है? आयुर्वेद। आयुर्वेद की रचना किसने की है? प्रजापत ने। सिलवेद की रचना किसने की है बताइए? विश्वकर्मा ने। तो ए का टू बी का थ्री किसमें है? ए का टू बी का थ्री, ए ऑप्शन है आपका। क्या ऑप्शन है? ए। आयुर्वेद की रचना प्रजापत। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का है। किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। सिलवेद का विश्वकर्मा। सिलवेद किसका उपवेद है? अथर्वेद का। किसका उपवेद हो गया? अथर्वेद का। गंधर्ववेद के संकलन करता नारद। गंधर्ववेद किसका है? सामवेद का। किस वेद का है? सामवेद का उपवेद है। और धनुर्वेद का कौन है? विश्वामित्र। और धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का है। किसका उपवेद है? यजुर्वेद का उपवेद है। क्लियर? तो आंसर आपका क्या हो गया? ए। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। किसके शासन काल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था? आपको पता है नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। किसके शासन काल में? हमने करनाल का युद्ध बताया 1739 में। बिल्कुल सही, मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में। और इसी आक्रमण के समय इसने शाहजहां का तख्ते ताउस मतलब मयूर सिंहासन जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था अपने साथ कहां ले गया? पर्सिया लेके गया था। चलिए बिल्कुल सही, अगला सवाल चलते हैं। किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? किसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय किसने दिया था? बिल्कुल सही, अकबर द्वितीय ने। और अंग्रेजों के संरक्षण में अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह, ठीक है, अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय पलासी के युद्ध के समय था। पलासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय थे। बहादुर शाह द्वितीय 1857 की क्रांति के समय थे। और शाह आलम द्वितीय जो थे ये बक्सर के युद्ध के समय थे। किस युद्ध के समय? बक्सर के युद्ध के समय थे। तो कभी पूछा गया कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो आंसर होगा अकबर द्वितीय। या पूछा गया अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह कौन है? तो भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर द्वितीय। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा राणा कुंभा। जो बच्चे बैच में पढ़े हुए हैं उनको ये क्वेश्चंस मिले होंगे, क्योंकि जो टॉपिक नहीं भी पढ़ा जाता है उसके क्वेश्चंस भी गौरव पांडे बनाकर आपके सामने पेश कर देता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सवाल आ जाए, क्योंकि है तो इतिहासी। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, तो आपका आंसर हो जाएगा राणा कुंभा ने। बिल्कुल सही, अगले सवाल पे चलते हैं। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? ठीक, अष्टाध्यायी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? बिल्कुल सही, पाणिनि ने किया है। पाणिनि जो थे ये व्याकरणाचार्य थे, मतलब ग्रामरिस्ट थे। किसके दरबार में? महापद्म नंद के दरबार में ये जो थे ग्रामरिस्ट थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा में अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की है। बाकी अश्वघोष ने बुद्धचरित, सौंदरानंद, सरीपुत्र प्रकरण की रचना की है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। और पतंजलि ने महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना की है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अटाला और झाझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये जान जाइए, अटाला और झाझरी मस्जिद ये दोनों जो है जौनपुर में है। तो अटाला और झाझरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक, यूसुफ आदिल शाह, सुल्तान इब्राहिम, अकबर। मोहम्मद बिन तुगलक की खास बात है, बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी का दरगाह है,
इस वर्डिंग को, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है जहां पर मोहम्मद बिन तुगलक जाया करता था, लेकिन इसका निर्माण सुल्तान इब्राहिम ने करवाया है। जौनपुर में अटाला और झाझरी मस्जिद का निर्माण करवाने वाला कौन है? सुल्तान इब्राहिम है। किसने करवाया है? सुल्तान इब्राहिम ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रघुपति राघव राजा राम के लेखक कौन थे? ठीक है, क्योंकि नमक आंदोलन के दौरान जब गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा प्रारंभ की तो ये रास्ते भर रघुपति राघव राजा राम और वैष्णो जन तौ तैनो कहिए का उच्चारण करते रहते थे। वैष्णो जन तौ तैनो कहिए के लेखक है नरसिंह मेहता। नहीं, ये आपका आंसर नहीं है, कंफ्यूज मत होइए। चलिए इधर टिक कर देते हैं। नरसिंह मेहता ने ये नहीं लिखा था, इन्होंने वैष्णो जन तौ तैनो कहिए, ये किसने कहा था? नरसिंह मेहता ने। उच्चारण कौन करते थे? गांधी। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। जहांगीर ने किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी? ये बहुत ही प्रचलित सवाल है। थॉमस रोबी जहांगीर के शासनकाल में आया था 1615 ईस्वी में। ठीक है, इसने जहांगीर को बग्गी उपहार में दी थी। हैमिल्टन नामक डॉक्टर फरुखसियर के शासनकाल में आया था जिसने फरुखसियर की बीमारी का इलाज किया था और फरुखसियर ने प्रसन्न होकर 3000 रुपए वार्षिक दर से बंगाल बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की रियायत दे दी थी। जॉन मिल्डन रानी एलिजाबेथ का राजदूत बनकर अंग्रेज अकबर के शासनकाल में आया था तो कैप्टन विलियम हॉकिंस जो 1608 ईस्वी में आया था इसी को जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी? इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। तो जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसको दी थी? कैप्टन विलियम हॉकिंस को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन तुलु वंश का शासक नहीं है? मुद्दा का है कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों का शासन हुआ, संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, आरवीडु वंश। ठीक है, हरियर और बुक्का संगम वंश के थे। उसके बाद वीर नरसिंह ने तुलुब वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ऑप्शन है वीर नरसिंह, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय, राम राय। इसका आंसर सही से बताइए। इसका आंसर है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम जो था ये संगम वंश का था। किस वंश का था? संगम वंश का। और सुलु और तुलु वंश के बाकी शासक थे वीर नरसिंह, कृष्ण देवराय और राम राय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस मुगल शासक ने आना नामक सिक्के चलाए थे? किस मुगल शासक ने आना नामक सिक्के चलाए थे? जैसे अकबर ने रामसिया प्रकार के सिक्के चलाए थे, याद रखिएगा अकबर ने रामसिया प्रकार के सिक्के चलाए थे। ठीक है, और आना नामक सिक्के चलाने वाला कौन था? शाहजहां था। आपका आंसर क्या होगा? शाहजहां। तो कभी भी पूछ दिया गया कि आना नामक सिक्के किसने चलाए थे तो आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नमक आंदोलन के दौरान गांधी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्योंकि गांधी ने यह चीज पहले से ही कह दिया था कि उनकी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व कोई और करेगा और अगर वो गिरफ्तार हो गया तो कोई और करेगा। ऑप्शन है सरोजनी नायडू, गांधी के पुत्र मणिलाल, खान अब्दुल गफ्फार खान और तैयब जी। जल्दी आंसर बताइए। नहीं, सरोजनी नायडू नहीं, तैयब जी होंगे इसके आंसर। गांधी ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व तैयब जी करेंगे और अगर तैयब जी भी गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद इस आंदोलन का नेतृत्व सरोजनी नायडू जी करेंगी। सरोजनी नायडू जी और गांधी के पुत्र मणिलाल ने इस आंदोलन का नेतृत्व महाराष्ट्र के धरसना नमक मिल में किया था। कहां पर? महाराष्ट्र के धरसना नमक मिल में सरोजनी नायडू और गांधी के पुत्र मणिलाल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्लियर दोस्त? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं? किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं? असहयोग आंदोलन भी अगस्त को हुआ था, नमक आंदोलन मार्च में हुआ था,
भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत आंदोलन मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक, इसका आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, क्योंकि 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में पारित हो गया, जिसके बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया और इसी आंदोलन को वर्धा प्रस्ताव या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। हमेशा याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन को वर्धा प्रस्ताव और अगस्त क्रांति के नाम से भी हम क्या करते हैं, जानते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अकबर के नौरत्न में कौन भाई थे? अकबर के दरबार में नौरत्न थे कौन कौन? बिल्कुल सही, बीरबल, मानसिंह, तानसेन, टोडरमल, ठीक, उसके बाद अबुल फजल, फैजी खान, अब्दुल गफ्फार खां, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम, ये अकबर के दरबार के नौरत्न थे। लेकिन इन नौरत्न में कोई दो भाई थे, कौन थे वो? तानसेन बीरबल, टोडरमल मानसिंह, फैजी हकीम हुकाम, फैजी अबुल फजल। बिल्कुल सही, फैजी और अबुल फजल जो थे ये दोनों भाई थे, जिसमें फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था और फैजी जो थे ये अकबर के दरबारी कवि थे जिनको अकबर ने कवि राज की उपाधि दी थी। ठीक, बिल्कुल सही, मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी थी, फरजंद मतलब होता है पुत्र। तो अकबर के नौरत्नों में अबुल फजल और फैजी क्या थे? भाई थे। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। दक्षिण भारत के किस वंश की जल सेना सबसे अधिक शक्तिशाली थी या सबसे ज्यादा मजबूत थी? तो चोल वंश, राजकूट, चालुक्य, पांड, इसका आंसर हो जाएगा चोल वंश। इस सवाल को भी ध्यान रखिएगा, यह सवाल भी आपको आ सकता है कि दक्षिण भारत में किसकी नौसेना सर्वाधिक शक्तिशाली थी, तो आंसर हो जाएगा चोल वंश। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी? स्थूलभद्र, श्वेतांबर के अध्यक्ष थे और पहले जैन संगीति के भी अध्यक्ष थे। जंबू, ये भी जैन धर्म, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद इन्होंने जैन धर्म का कार्यभार संभाला था। भद्रबाहु, ये दिगंबर के अध्यक्ष थे और क्षमा श्रमण, ये द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष थे और पहली ही जैन संगीति में जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक, तो इसका आंसर है भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दी थी? भद्रबाहु ने दी थी। किसने दिया था? भद्रबाहु। ये सवाल भी रिमाइंड रखिएगा आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा कूट गलत है? ये शासक हैं, ये उपाधियां हैं। कौन सा कूट गलत है? बिंबसार, अमित्रघात, अजातशत्रु, कुणिक, गणानंद, अग्रमीज, महापद्मनंद, एकराट। तो इसका है बिंबसार, क्योंकि ये बिंबसार ने अमित्रघात नहीं श्रेणिक की उपाधि धारण की थी। किसकी? श्रेणिक की। और अमित्रघात की उपाधि किसने धारण की थी? मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार, जिसने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी, जिसके शासन काल में डायमेकस आया था, डायनोसियस आया था, जिसने सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम से तीन चीजों की मांग की थी, मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक, जिसमें इसको प्रथम दो तो मिल गई थी लेकिन दार्शनिक देने से शासक ने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो अमित्रघात की उपाधि बिंदुसार ने धारण की थी और बिंबसार ने श्रेणिक की उपाधि। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। मध्यकालीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला तो होगा नहीं क्योंकि यह प्राचीन भारत में था। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था। उज्जैन, तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला से उज्जैन किसने स्थानांतरित किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली में वैसे भी युद्ध होते थे तो पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, आंसर हो गया जौनपुर। तो मध्यकालीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो जौनपुर था। इसीलिए यह सवाल आया था अभी एग्जाम में कि शेरशाह सूरी ने अपनी शिक्षा दीक्षा कहां ग्रहण की थी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? जौनपुर में। यह क्वेश्चन याद रखिएगा, मध्यकालीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहां था? जौनपुर था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। गदर पार्टी का गठन कब हुआ था? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका का गठन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में सोहन सिंह भकना के द्वारा, जहां से गदर नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी और गदर नामक पत्रिका सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। ठीक है,
और जब भकना का देहांत हो गया तो लाला हरदयाल ने 1913 में किस पार्टी का गठन किया? गदर पार्टी का। और गदर पार्टी का अंत या विलय कब हुआ? 1919 में हुआ। तो गदर पर भी पूछा गया कि गदर पार्टी का गठन कहां हुआ था, तो आप कहेंगे अमेरिका में हुआ था। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। भगत सिंह को किस न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई थी? भगत सिंह को किस न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई थी? विश्वकांत पामस्टन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, याद रखिएगा। इम्पे जो कलकत्ता में न्यायालय खुला उसका न्यायाधीश था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। साइकस बंबई का गवर्नर था, साइकस जीसी डाल्टन ने, ठीक है, कहीं कहीं हिल्टन मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। जीसी डाल्टन ने किसको फांसी की सजा सुनाई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई थी। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। सांप्रदायिक पांचाट किसने पारित किया था? सांप्रदायिक पांचाट जो था इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही गई थी, ठीक, कि उनका अपना अलग निर्वाचन मंडल होगा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद इसको पारित किया गया। और इसको पारित किसने किया था? बिल्कुल सही, रैमसे मैकडोनाल्ड ने। ये लोअर पीसीएस में भी ये सवाल आया था शायद। सांप्रदायिक पांचाट को पारित करने वाला रैमसे मैकडोनाल्ड था, जिसने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही। और इसी के चलते गांधी पुणे के अरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कौन सा कूट गलत है? ये गौतम बुद्ध के जीवन से कुछ घटनाएं हैं जिनको हम किसी न किसी चीज के द्वारा इंडिकेट करते हैं। गृह त्याग को, घोड़े से, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने घोड़े कंथक के साथ घर छोड़ा था। यौवन को, सार से। ज्ञान को, पीपल वृक्ष से, क्योंकि ज्ञान उनको पीपल वृक्ष के नीचे मिला था। जन्म को, हाथी पांव से। ये कूट गलत है, जन्म को कमल से इंडिकेट करते हैं और हाथी पांव को मां के गर्भ में आना, ठीक है, कहां पर आना? मां के गर्भ में आना। इसको किससे इंडिकेट किया जाता है? हाथी पांव से, क्लियर। चलिए अगले सवाल चलते हैं, इसी में से आएगा एग्जाम में, देख लीजिएगा। चाहे तुर्कों के द्वारा बनवाई गई सर्वप्रथम मस्जिद कौन सी थी? तुर्कों के द्वारा बनवाई गई सर्वप्रथम मस्जिद कौन सी थी? कुवत उल इस्लाम, ठीक है, ये ता होगा, कुवत उल इस्लाम, अढ़ाई दीन झोपड़ा, काली मस्जिद, अलाई दरवाजा। आंसर बताइए। नहीं, अढ़ाई दीन झोपड़ा नहीं, आंसर है कुवत उल इस्लाम। पहले कुवत उल इस्लाम बनी है, फिर अढ़ाई दीन झोपड़ा बना है। कई सारी संस्थाओं में गलत पढ़ाया जाता है, ठीक है, ध्यान से जब आप डेट को रिकॉग्नाइज करेंगे तो पहले कुवत उल इस्लाम पाएंगे। ये दिल्ली में है, कहां पर है? दिल्ली में। और ये कहां पर है? अजमेर में है, जो कि संस्कृत विद्यालय के ऊपर बना है, इसीलिए अढ़ाई दिन झोपड़े की दीवारों पर हरकेली नाटक की पंक्तियां मिलती हैं। किन नाटक की? हरकेली नाटक की पंक्तियां मिलती हैं। लेकिन तुर्कों के द्वारा बनवाई गई सर्वप्रथम मस्जिद कौन सी है? कुवतुल इस्लाम है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। लगातार बोलते बोलते ना तो उस गला बैठने लगता है, खैर कोई बात नहीं। निम्न में से कौन व्यक्तिगत सत्याग्रह के सत्याग्रही नहीं थे? विनोबा भावे, गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को चलाया गया था, ये डेट भी याद रखिएगा। कभी भी पूछ लिया गया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया गया, तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था। और इसका आंसर होगा गांधी। पहले सत्याग्रही जो थे वो थे विनोबा भावे, फिर थे वल्लभ भाई पटेल, फिर थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को चलाया गया। गांधी इसके सत्याग्रही नहीं थे, ये याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़े दोस्तों, ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। किसने खादी के वस्त्र को आजादी का वस्त्र कहा था? किसने खादी के वस्त्र को आजादी का, देखिए हमारा काम क्या है, 100 क्वेश्चन में आधुनिक को उसके हिसाब से इनफ डालें, फिर प्राचीन और मध्य को उस हिसाब से कैलकुलेट किया गया। आपको यह लगता है कि सवाल ऐसे नहीं बनते दोस्त, हम बहुत कैलकुलेशन करते हैं।
हम मानते हैं कि चीजें क्या है कि हम प्रयास करते नहीं होता है, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ, उम्मीद करता हूं आगे भी नहीं होगा, ठीक है जरूर फंसेगा। तो किसने खादी के वस्त्र को आजादी का वस्त्र कहा? गांधी। नहीं दोस्त, आंसर एकदम गलत है। और कोई आंसर देगा? देखिए आंसर सब दे रहे लगातार, नहीं, इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। देखिए हम किसी का नाम इसलिए नहीं ले पा रहे कि बहुत लोगों के नाम आ रहे हैं, और हमने क्या कहा कि इतना ही आपको वीडियो दूंगा जितना आप देखने में सक्षम होने, तो कहेंगे डाटा खत्म हो रहा, बोरियत लग रही, उससे मेरे वीडियो को मेहनत का फायदा क्या होगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने खादी के वस्त्र को किसका वस्त्र कहा था? आजादी का वस्त्र। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, पुष्यमित्र सुंग। बिल्कुल सही, आंख बंद करके इसका आंसर बताएंगे मेरे दोस्त लोग, मेरे स्टूडेंट लोग, समुद्रगुप्त। क्योंकि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था, ठीक है, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था, इसीलिए समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि से नवाजा जाता है। किस उपाधि से नवाजा जाता है? कविराज की उपाधि से। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? गुरु रामदास? नहीं, ये अकबर के समकालीन थे। गुरु रामदास किसके समकालीन थे? अकबर के। गुरु अर्जुन देव? नहीं, गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने किया था। गोविंद सिंह? नहीं, तो बिल्कुल सही, तेग बहादुर। तो आंसर हो गया डी, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने किया था। गुरु अर्जुन देव जिन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया और उस स्वर्ण मंदिर के ऊपर सोने का गुंबज महाराजा रणजीत सिंह ने लगवाया था, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने किया था। और रामदास जो थे ये अकबर के समकालीन थे, अकबर ने इनको 400 गांव दान में दिए थे, जिसको आधार बनाकर रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितने समय का अंतराल है? शक संवत और विक्रम संवत के बीच में कितने समय का अंतराल है? 21 वर्ष। नहीं, गलत, हम जान रहे थे आप गलती करेंगे। विक्रम संवत चलाया गया था 57 ईसा पूर्व में, ठीक, कौन सा संवत दोस्तों? विक्रम संवत, बिल्कुल सही। और शक संवत कब चलाया गया था? 78 ईस्वी में। कब? ईस्वी में। ईस्वी आने के लिए ईसा पूर्व आना पड़ेगा, 57 यू हैव टू कवर इट, 57 कवर करना पड़ेगा, और इन दोनों को जोड़कर आएगा 135 वर्ष। तो आंसर क्या हो गया? सी, 135 वर्ष का अंतराल है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सर्वप्रथम रुपया का प्रचलन किसने किया था? यह भी बहुत प्रचलित सवाल है। सर्वप्रथम रुपया का प्रचलन किसने किया था? किसने? अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन या फिरोज शाह तुगलक? हाँ एकदम सही, इसका आंसर सब आंख बंद करके बता दिए होंगे। शेरशाह सूरी ने ही सबसे पहले चांदी के रुपए का प्रचलन किया था, और इसके रुपए पर एक तरफ देवनागरी लिपि अंकित मिलती है। यह भी बहुत डीप सवाल था पीसीएस का कि किसके रुपयों पर देवनागरी लिपि अंकित मिलती है, तो आंसर है शेरशाह सूरी। चलिए अगले सवाल पे। गैगिंग एक्ट किसे कहा गया? ये गा होगा, ठीक है गलती मत करिएगा, अलग से लिख देते हैं। गैगिंग एक्ट, ठीक, गैगिंग एक्ट किसे कहा गया? गैगिंग एक्ट मतलब मुंह बंद करने वाला कानून, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कहा गया था, जिसके तहत पहली बार सोम प्रकाश नामक पत्रिका को प्रतिबंधित किया गया, जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की थी। क्योंकि इसके तहत यह था कि जो मजिस्ट्रेट का निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा, कोई भी ऐसी चीज सरकार के खिलाफ नहीं छाप सकते, अगर छापेंगे तो आपके प्रेस को बंद कर दिया जाएगा, इसीलिए इसको मुंह बंद करने वाला कानून या गैगिंग एक्ट कहा गया। किसको? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य कहा है? इसका आंसर बताने का प्रयास करिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस शिलालेख में अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य कहा है? भबरू? नहीं, भबरू से इसके मगध के शासक होने की जानकारी मिलती है। कहां से इसके शासक होने की जानकारी मिलती है? भबरू शिलालेख से।
बाकी मस्की, गुर्जरा, उडलगोम शिलालेखों में अशोक का नाम मिलता है, लेकिन अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य मस्की शिलालेख में कहा है। और बुद्धम, धम्मम और संघम की बात, गौतम बुद्ध के त्रिरत्न की बात किसमें मिलता है? बब्रू शिलालेख में मिलता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अशोक ने खुद को बुद्ध शाक्य मस्की में कहा था, मस्की शिलालेख में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत नए सिद्धांत, स्यादवाद, अनेकांतवाद, अनेकात्मवाद, ठीक है, ये सारे के सारे सिद्धांत जैन धर्म से जुड़े हैं। और बौद्ध धर्म से कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? क्षणिकवाद सिद्धांत जुड़ा है। कौन सा सिद्धांत? क्षणिकवाद सिद्धांत। बाकी अणुव्रत सिद्धांत, नए सिद्धांत, ठीक है, स्यादवाद, अनेकांतवाद, अनेकात्मवाद, ये सारे के सारे सिद्धांत किस धर्म से जुड़े? बिल्कुल सही, जैन धर्म से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रम से सजाइए, इसको क्रम से सजाना है। चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह और खुदीराम बोस की मृत्यु। चलिए बताइए जल्दी से, खुदीराम बोस की मृत्यु कब हुई? बिल्कुल सही दोस्त, 1908 में हुई, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, जो कि फांसी पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? बिल्कुल सही, 1928 को हुआ था, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ? 1919 में, 8 अप्रैल। चंपारण कब हुआ? 1917 में हुआ। तो मतलब 1908, 17, 19, 28, मतलब 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, बिल्कुल सही। आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मिलाप कीजिए, ठीक है, मिलाप करना है, ये हा है, हा, ठीक है। दाग और हुलिया प्रथा है, दाग और हुलिया प्रथा, हरबे सब, ये सिंचाई कर है, चालीसा दल, ये सैनिक विभाग है, चालीसा दल, और दीवाने को ही, ये कृषक विभाग है। दीवान लिख देते हैं सामने ताकि आप परेशान ना हो, दीवाने को ही कृषक विभाग है, ठीक है। देखिए हिंदी थोड़ी हमारी कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं है। चालीसा दल सैन्य गठन था, ठीक है, उसके बाद हरबे सर्व सिंचाई कर था, और दाग और हुलिया प्रथा घोड़ों को दागने का, और सैनिकों के हुलिया प्रथा, ये किसके किसके द्वारा लाया गया था? तो चलिए बताते हैं, दाग और हुलिया प्रथा किसका है? अलाउद्दीन खिलजी का है। हरवे सब किसका है? फिरोज शाह तुगलक का है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सिंचाई कर लगाने वाला कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। चालीसा दल किसका है? इल्तुतमिश का है। दीवाने को ही किसका है? मोहम्मद बिन तुगलक का है। तो ए का फोर, ए का फोर यहां पर है, अब बी का वन, ए का फोर बी का वन किसमें है? बी ऑप्शन। तो आपका आंसर हो गया बी, 95 का आंसर क्या हो गया? बी, एक मिनट, सॉरी, ए का फोर बी का वन दोनों में है, सॉरी, ठीक है, रुकिए, आंसर गलती नहीं करना है, आगे भी तो देखना पड़ेगा ना, दोनों में तो सेम है। चालीसा दल इल्तुसी का टू, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन होगा, सॉरी, ठीक है, वो थोड़ा सा काफी देर से लगातार बोल रहे ना, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं। ए का फोर, यहां मिलाप सही किए थे, ऑप्शन थोड़ी गलती हो गई थी, ए का फोर बी का वन सी का टू डी का थ्री, क्लियर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारूप कहां बनाया गया, मतलब जो 1857 का विद्रोह होने वाला था इसका प्लान कहां बनाया गया, कहां पर? ताजमहल में, लाल किला में, पुराना किला में कि लाल महल में? इसका आंसर है लाल किला में। दिल्ली के लाल किले में 1857 की क्रांति का प्रारूप तैयार किया गया, और इसका जो प्रतीक चिन्ह रखा गया वो रोटी और कमल बनाया गया। तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी और कमल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। फ्रांसिस बर्नियर किसकी सेना का चिकित्सक था? ये याद रखिएगा, फ्रांसिस बर्नियर मुगल सेना में चिकित्सक था, लेकिन किसकी सेना का चिकित्सक था? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बताइए। हां, एकदम सही, शाहजहां की सेना में चिकित्सक था। तो फ्रांसिस बर्नियर जो था वो किसकी सेना में चिकित्सक था? शाहजहां की सेना में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व वसूलने वाले अधिकारी
कौन थे, अमीर वजीर चौधरी या मुहसिब? इसका आंसर याद रखिएगा सी है, चौधरी। देखिए इन तमाम प्रकार के सवालों को जब आप सवाल सॉल्व कर रहे मानते हैं कि आप चीजें क्या है ना दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं अब हमारे पास पढ़ने का समय नहीं है, नाउ वी हैव अ टाइम टू प्रैक्टिस इट। इट डजंट मैटर एग्जाम विल बी पोस्टपोन्ड और नॉट, एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा कि नहीं होगा इससे हमसे मतलब नहीं है, हमें अपनी तैयारी करनी है 22 मार्च को ध्यान में रखते हुए। और ये तैयारी कराने का जो जिम्मा है सभी लोगों ने लिया, पर TWA संस्था भी ली है इसकी जिम्मेदारी और वो अच्छे से कर रही। और हम जो सवाल करा रहे हैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे फंसेंगे उनके नहीं फंसेंगे, किसी के भी फंस सकते हैं, पर सवाल के बनाने के तरीके कंबाइंड करके पूरा आपका इतिहास दोहराना बहुत बड़ी चीज होती है। आप सवाल जो पढ़ रहे हैं कर रहे हैं इनको समझने का प्रयास करिएगा कितना इनका महत्व है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 18 जुलाई 1905। नहीं, इस समय बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, 7 अगस्त 1905। नहीं, इस समय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया था। क्या? स्वदेशी और बहिष्कार, 16 अक्टूबर 1905। यस, इट इज अ राइट आंसर। 18 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव लाया गया जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो प्रांतों में विभाजित कर दिया गया, पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी कलकत्ता बनी और पूर्वी बंगाल और असम जिसकी राजधानी ढाका बनी, और अरुणदेल समिति का गठन हुआ 1906 में, उसकी सिफारिशों से 1911 में बंग भंग अर्थात बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। आज के दिन के आखिरी सवाल पे चलते हैं। आखिरी सवाल बड़ा बढ़िया सवाल होगा, ये मैं जानता हूं कि मैं खुद बनाया हूं। तो 100वां सवाल, मिलाप कीजिए। ये कुछ प्रकार के कर हैं, खम्स, खराज, अस्त्र, जकात, मुसलमानों से भूमि कर, मुसलमानों का धार्मिक कर, हिंदुओं साहब को खाद उड़ा देते। इसमें सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में मुसलमानों पर कर लगाने वाला, समझिए सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में मुसलमानों पर कर लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, याद रखिएगा। सबसे पहले मुसलमानों पर कर लगाने वाला जो शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। तो इसका आंसर बता दीजिए, आखिरी क्वेश्चन है, हम इंतजार कर रहे हैं, ठीक। तो खम्स मतलब होता है लूट का माल, ठीक है। अलाउद्दीन के पहले जो लूट का माल होता था वो 80% सैनिकों में बंटता था, 20% राजकोष में जाता था, लेकिन अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की। तो इसने कहा कि जब हम नगद वेतन दे रहे हैं तो हमको सैनिकों को लूट के माल से क्या मतलब है, इसलिए ये 80% राजकोष में डालने लगा और 20% सैनिकों में बांटने लगा। दूसरा क्या है? खराज। खराज कौन सा कर है दोस्तों, बताइए? खराज जो है ये हिंदुओं से, हिंदुओं का भूमि कर है। अस्त्र क्या है जल्दी बताइए? अस्त्र जो है ये मुसलमानों से भूमि कर है, और जकात जो है ये मुसलमानों का धार्मिक कर है। इसलिए मैंने आपसे कहा सर्वप्रथम मुसलमानों पर कर लगाने वाला भी कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आज का ये 100 सवाल आपके इतिहास को 100% तो नहीं कहूंगा लेकिन 90% जरूर खत्म कर दिया होगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा हूं जहां से सवाल ना उठाए हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम फिर से कह रहे हैं आप ये 100 सवाल 2 घंटे का 50 कदम और 10-10 के दोनों प्रश्न संग्रह जरूर हिस्ट्री के देखिएगा, और मैं इस बात का दावा कर रहा हूं कि 90% सवाल हो सकते हैं वहीं से फंस जाए। अब ये अलग मुद्दा है, नहीं फंसा तो ये मत कहिएगा सर आपकी जुबान गंदी हो गई, नहीं, पर मेरी उम्मीद है क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया और मेहनत का फल मीठा होता है जो आपको मिलेगा। हमने तो वेट किया नहीं है, तो क्यों, हमने तो फॉर्म भरा नहीं है ना, हमने वेट किया है। तो इसीलिए दोस्त प्लीज ये 100 प्रश्न प्लस 50 कदम प्लस प्रश्न संग्रह जरूर देखिएगा। बाकी आप कहीं भी कुछ भी देखिए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये मैराथन है TWA की तरफ से, जो इस मैराथन की रेस में आपको फर्स्ट लाना चाहते हैं मतलब आपके एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। और एक बात जाते जाते मैं जरूर कहूंगा आपको, ठीक है, कभी भी लाइफ में डिमोरलाइज मत हुआ करिए, मैं बार बार कहता हूं आप ही सब कुछ हैं और आपसे सुंदर व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप अपने आप को नहीं पहचान सकते हैं तो दूसरा कोई भी आपको नहीं पहचान सकता है। यू आर द वन ऑफ द प्रीसियस क्रीचर ऑन दिस अर्थ। आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राणी हैं और आप ही
अपने आप को पहचानिए, किसी और को पहचानने का मौका मत दीजिए। गाली तो लोग भगवान को भी देते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? बी इन योर सेल्फ और बी विथ यू ओनली, यही आपको सक्सेस पर ले जाएगा। बाकी सेहत का ध्यान रखिएगा। खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए गौरव पांडे की तरफ से ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं सब अच्छे से पढ़े, सबका अच्छा एग्जाम हो, सब अच्छे से क्वालिफाई करें और मेरे प्रश्न जरूर फंसे ताकि आप हमें दुआई दें, नहीं तो गाली देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे कभी भी लाइव ऐसे प्रमोशन वीडियो के साथ, अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और क्वेश्चन के प्रति आप अपने कमेंट जरूर करिएगा, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मैं अपने में सुधार चाहता हूं, लोगों में नहीं। धन्यवाद दोस्तों।